हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके ECC कोर्स के रिगार्डिंग। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे, इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम मैं ECC कोर्स करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ, बट इसका प्रोसेस पूरा बताइए कि इस कोर्स की एडमिशन कैसे होगी और जब हम एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद हमने कैसे इस कोर्स को कम्प्लीट करना है। अगर आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हो और आप ECC कोर्स करना चाहती हो या फिर इसके डिटेल्स लेना चाहती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो के अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना जो भी लोकल ऑडियंस है, क्योंकि राजस्थान में बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं ECC के बेस पे, ताजो ये जो मेरी वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए जो इस कोर्स को करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। देखिए गाइस, ECC कोर्स क्या है, कितने टाइम का होता है। ECC आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। अगर आपने इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर DECE कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको ECC कोर्स करने की नीड नहीं है, क्योंकि DECE कोर्स को ECC कोर्स बोला जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉपर इग्नू की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पे दिखा दिया था कि जो ECC कोर्स है उसको ही हम DECE कोर्स बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मल इसका जो फुल फॉर्म है वो ECC है, बट इग्नू के अंडर जो इसका कोर्स कोड है उसको DECE कोर्स बोला गया है। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं DECE कोर्स करूँ या फिर ECC, दोनों ही आपके सेम है। कितने टाइम का है? ये 1 ईयर का कोर्स होता है। ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है? ये कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हो ODL मोड में, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। इसके लिए आपको कहीं भी नहीं आना। अगर आप कोई जॉब करते हो आप उसके साथ साथ भी इस कोर्स को कर सकते हो ऑनलाइन। इसके लिए प्रोसेस क्या है, मैम मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ प्लीज़ इसके बारे में बताइए या फिर इसका फ़ीस कितना है उसके बारे में बताइए। यूनिवर्सिटी की जो फीस रहती है वो 3500 रहती है विद बुक्स के साथ। आपको फर्स्ट जो पेमेंट कट करवानी होती है यूनिवर्सिटी के साइड पे, वो 3500 जो आपके रुपीज़ है वो आपकी कट होती है विद बुक्स के साथ। बुक्स आपके घर पर आती है। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके पास, जो मेन लाइक जो आपके सर्टिफिकेट चाहिए वो आपका 10th क्लास और +2 क्लास का चाहिए। इसके अलावा अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, Gmail ID, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एक मेन एड्रेस जिस पे आपकी बुक्स वगैरह आएंगी, वो आपको सभी डिटेल्स फिल करनी होती है। इग्नू की जो मेन वेबसाइट है igno.ac.in, वहाँ पे ODL मोड में आपकी एडमिशन डन की जाती है। और उसके बाद जब आप अपनी एडमिशन डन करते हो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक मेल भी रिसीव होती है जिसपे प्रॉपर डिटेल्स आ जाती हैं। और जिन बच्चों ने जैसे रिसेंटली जून या फिर अभी जुलाई मंथ में एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है कि मैम मैंने ECC कोर्स में एडमिशन ले लिया है, आगे का प्रोसेस बताइए। जब आप आपके एडमिशन कंफर्म हो जाती है तब आपका आई कार्ड भी जनरेट हो जाता है। जो भी आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल किया था या फिर क्रिएट किया था उसको ओपन करके आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होते हैं, जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली जून जुलाई मंथ में एडमिशन लिया है उनके लिए 3 आपकी असाइनमेंट बनती हैं ECC कोर्स की। इसमें जो असाइनमेंट कोड है वो DEC 1, DEC 2 एंड DEC 3 होता है। कब सबमिट होती है, मार्च मंथ में। अभी जिन बच्चों ने जून जुलाई में एडमिशन लिया है उन बच्चों की मार्च 25 में जाके आपके स्टडी सेंटर असाइनमेंट सबमिट होगी। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे मैम स्टडी सेंटर क्या है या फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टडी सेंटर कौन सा है। तो जब भी आप एडमिशन डन करोगे, अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, उस टाइम 2 सेंटर फिल किए जाते हैं, स्टडी सेंटर और RC सेंटर। कौन से होते हैं, कहाँ की लोकेशन के होते हैं, जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे आप रहते हो उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका स्टडी सेंटर और RC सेंटर सिलेक्ट किया जाता है। अब ऑनलाइन गूगल पे सर्च भी कर सकते हो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कि आपके नियर स्टडी सेंटर कौन सा है या फिर RC सेंटर कौन सा है इग्नू वाला, तो उसी सेंटरों का फिल कर सकते हो। जब आपका जो कोर्स है आपने असाइनमेंट बना ली, उसके बाद अपने स्टडी सेंटर जाके सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क बनता है जो कि अप्रैल मंथ में सबमिट होता है। और जो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क है थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें आपकी 45 वीडियोस भी क्रिएट होती हैं। वो वीडियो आपको कहाँ क्रिएट करनी होती है, किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर, और 5 मिनट की एक वीडियो होती है। तो प्रॉपर आपको सभी वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड करनी होती है। इसका पूरा जो डिटेल्स रहता है मैंने पिछली वाली वीडियोस में बता रखा है, वो वीडियोस चेक करके फुल डिटेल्स ले सकती हो कि DECE 4 जो 4 प्रोजेक्ट वर्क है वो कैसे सबमिट किया जाता है। इसके अलावा
उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फीस जाती है 1100, लाइक 1100 फीस आपकी जाती है, जिसमें 600 आपकी एग्जाम की, 500 आपके प्रोजेक्ट वर्क की, वो आपकी 1100 फीस जाएगी। फिर जाकर आपके जून मंथ में, अभी एग्ज़ाम के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इसके एग्ज़ाम कब होंगे, अगर हम अभी एडमिशन लेते हैं नेक्स्ट ईयर जून मंथ में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, उसके बाद जुलाई फिर अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद इफ़ आपका रिजल्ट कंप्लीट आता है, और इसमें इग्नू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम गारंटेड पास हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में कोई गारंटेड पास नहीं होता, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। अगर आपने प्रॉपर अच्छे वे में अपनी असाइनमेंट सबमिट की है, अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया है, अपने एग्ज़ाम अच्छे वे में दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके थ्योरी बेस पे होते हैं, अगर आपने प्रॉपर दिया है तब जाके आप पास होते हो, नहीं मोस्टली इसका जो DEC4 प्रोजेक्ट वर्क है वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम में भी बच्चे फेल हो जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं अटैम्प्ट करते। तो जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तब जाके आपको DMC मिलता है। अभी जितना भी पूरा प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया कि 35 आपकी पहले फ़ीस होती है, 1100 आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। आप खुद भी एडमिशन ले सकते हो, आप किसी कैफ़े के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट क्या है कि हम आपको, ये देखिए जो मेन आपकी फ़ीस है वो तो आपको पे आउट करनी ही होगी, इसके साथ आपको सर्विस चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि हम पहले तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देंगे, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी ODL मोड में कोर्स प्रोवाइड करती है, ECC का ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में। तो आपको क्या है कि सम टाइम आप बिजी रहते हो, आप कोई काम करते हो, आप कोई जॉब करते हो, आपको पता नहीं चलता कि इसके क्या अपडेट आई है आपके कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो अपडेट्स हम प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। सेकेंडली, आपकी जो असाइनमेंट्स है उसका सॉल्व कंटेंट हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका सॉल्व कंटेंट प्रॉपर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके 3 जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें क्या क्या आना है उसके बारे में प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जिसमें आपको प्रॉपर एग्ज़ाम आ जाएगा और आप अच्छे नंबर लेके पास आउट हो जाओगे, वो सभी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सब सॉल्व करते हैं, और पूरा 1 ईयर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता आपको हम स्टेप टू स्टेप गाइड करते रहते हैं, ये इसका बेनिफिट रहता है। अगर आप सर्विस चार्जेस पे आउट करते हो, मान के चलो आपने यूनिवर्सिटी फ़ीस पे आउट कर दी और आपने उसके बाद अपना एग्जामिनेशन फ़ीस भी पे कर दिया, तो यही चीज़ है कि एग्जामिनेशन तो आपकी बाद में पे होगी, बट यूनिवर्सिटी फ़ीस पे आउट करने के बाद आपको ये गाइड नहीं करेगा कि आपको प्रॉपर क्या क्या चीज़ करनी है और कैसे कैसे करनी है, क्योंकि इसमें ये सेल्फ स्टडी होती है, तो आपको प्रॉपर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है, और सेल्फ आपको सब जो मीनिंग स्टडी है वो कंप्लीट करनी होती है और खुद ही पता करना होता है कि कैसे आपने सब कुछ करना है। तो फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ECC कोर्स का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप अपना कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ अगर आप अभी इस पोस्ट को फिल करना चाहते हो और आप टीचिंग लाइन में हो, तो इसके लिए भी एक अलग से मेरे पास और कोर्स है, उसको भी हम ECC कोर्स बोलते हैं, वो NCT की अंडर कोर्सेज हैं। उसमें एक बेनिफिट ये है कि आपके 6 महीने सेव हो जाते हैं अगर आप टीचिंग लाइन में हो, तो अगर आप वो कोर्स भी 6 महीने में कंप्लीट करना चाहते हो, लाइक आप 6 महीने लगाओगे और 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, वो मेथड भी है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उसकी ऑल डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इग्नू वाला ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई चल रही है, 15 जुलाई से पहले पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।